हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चूड़े का पोहा। तो बस चलिए हम बनाते हैं चूड़े का पोहा। एक प्याज, दो मीडियम साइज़ के आलू, मिर्ची कटी हुई, मटर एक कटोरी, मूंगफली के दाने, एक चम्मच जीरा, दो चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, मीठी नींब, धनिया की पत्ती डालने के लिए आधा नींबू कटा हुआ और चूड़ा तीन कटोरी। तो बस चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले गैस को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। कढ़ाई हमारी गरम हो चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे तेल। तेल गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे जीरा। तेल हमारा हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे एक चम्मच। जीरा हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे प्याज कटी हुई। प्याज को हल्का गैस को तेज कर लेंगे। प्याज हमारी हल्की ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई आलू, हरी मटर, अब इसको अच्छे से हम चला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच हल्दी। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करके 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। जब हमारी आलू पक जाएगी तब इसमें हम चूड़ा डालेंगे। गैस को हम धीमा कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे मीठी नीम। आलू पक जाने के बाद मीठी नीम डालिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हम डालेंगे हरी मिर्च। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे चूड़े को। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस को हम ऑफ कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस आधा कटा हुआ। अब इसमें हम डालेंगे मूंगफली के दाने। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम एक बाउल में खाली कर लेंगे। अब इसको हम एक बाउल में खाली कर लेंगे। अब हम ऊपर से डालेंगे हरी धनिया। पोहा हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब आप भी बनाइए और बताइए कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए बाय।